मैं आपको हमारे चैनल स्वागत बा और सबसे बड़ी खुशी की बात भैया आजमगढ़ में एक बार फिर आप शूटिंग कर रहे हैं। मैं मायके चले जाओ पारिवारिक सिनेमा का कह चाहो किस तरह सिनेमा बा और किस तरह माहौल बा शूटिंग। बहुत बढ़िया फिल्म बा और हमन पहले ही कहले रही यार कि हमन के जीतले के बाद मुंबई ना जाए के मुंबई आई आजमगढ़ और वह भइल भी पिछले एक साल में पांचों विधानसभा में हमनी के फिल्म बना देनी जा और अभी छठवीं फिल्म बने जाता मैं मायके चली जाऊंगी शुरुआत हो गई बा। बहुत अच्छा शूटिंग चला था पारिवारिक फिल्म बा और अभी जमाना भी पारिवारिक फिल्म के बा और चूंकि टेलीविज़न और OTT के ज़माना बा और ऐसे समय में लोग घर में परिवार के साथ बैठ के फिल्म देखेला तो पारिवारिक फिल्म के ज़्यादा डिमांड भी बा और हमने के वह ज़्यादा फिल्म बनावत भी बानी जा तो मैं मायके चली जाऊंगी भी वैसे वो फिल्म बा इश्तियाक शेख बंटी जी एक डायरेक्टर माने और बहुत अच्छी फिल्म बन रहा बा। तो कितना अलग हट के किरदार बा जैसे कि फोटो में बड़ा वायरल हो रहा बा लुक किरदार में हमारे बाटे वो लाइन मैन के और गांव देहात में जो नॉर्मल किरदार होखेला वे बाटे और चूंकि फिल्म पूरा पारिवारिक बैकग्राउंड पे बाटे तो लोग के बहुत आनंद आई। घर घर के कहानी बा एक तरह से कहा कि घर घर में जौन होला वह बाटे हर घर में जौन समस्या होला जौन परेशानी होला और ओके कैसे लोग उसे बाहर निकलेला ओकरे विषय में कहानी बा लोग रिलेट करी सबके जीवन से रिलेट होके वाली कहानी बा अच्छा लगी लोग के। आपके मनपाली जी के जो जोड़ी बाटे जो पब्लिक हमेशा डिमांड कहला कि हमेशा बार बार एक अलग इंटरटेन कहला ते में कितना अलग केमिस्ट्री बाटे आप बहुत अच्छा बाटे और पब्लिक भी वही जोड़ी के ज़्यादा डिमांड करेला जेकर किरदार पसंद आवेला और हमनी के लगभग जितना फिल्म साथ में कैले बानी जा हर फिल्म में चाहे आम्रपाली जी के किरदार चाहे हमार किरदार लोग के बहुत पसंद आएल बा और यह वजह बाटे कि लोग साथ में जब फिल्म आवेला तो ज़्यादा देखेला लोग और लोग के ज़्यादा पसंद भी आवेला तो एक बार फिर से हमनी के एक साथ ही फिल्म कर रहल बानी जा और हमको पूरा उम्मीद बा कि लोग के बहुत आनंद आई। प्रवीण कुमार जी फिल्म डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर बाड़न फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर बाड़े का कहना बिल्कुल प्रवीण भैया अब प्रोड्यूसर बनल बाने पहले तो वो हमारे फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर भी रहने बिहार में हमारे कई फिल्म के रिलीज भी कैले बाने यूपी में रिलीज कैले बाने और एक बहुत ही शानदार फिल्म एक पहले भी हमारे साथ है वो कैले बाने गोवर्धन वो भी तैयार बा जौन भोजपुरी सिनेमा में वो माइल स्टोन साबित हुई और ओकरा बाद अभी फिल्म बन रहा बा और एक पहले वो और भी फिल्म हमनी के कैले नहीं जाए यही आजमगढ़ में मेरे हस्बैंड की शादी वो बहुत अच्छा फिल्म बनल रहे आम्रपाली जी और काजल राघवानी जी दोनों लोग रहे उनमें और अभी मैं मायके चली जाऊंगी बन रहा बा तो आनंद आई लोग के बहुत आनंद आई। बंटी जी डायरेक्टर साहब उनका कहचान बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं और बंटी जी के हमारे साथ तब से बाटे जब हम बंटी जी के पिताजी के साथ फिल्म करी तो स्वर्गीय असलम शेख जी जब फिल्म बनावे तो उनकर फिल्म पारिवारिक बैकग्राउंड के ही खातिर जानल जाए जैसे विदाई रहे परिवार रहे उनकर फिल्म लोग के बहुत अच्छा लगे पसंद आवे काहे कि चाहे बंधन टूटे ना सब पारिवारिक फिल्म मनोज भैया के साथ है हमरा साथ है रवि किशन भैया के साथ है जिकरे साथ भी वो बनावत रहने सब पारिवारिक फिल्म बनावत रहने और तब से बंटी जी के और हमारे साथ बाटे जब वो अपने पिताजी के असिस्ट करत रहने और उनकर लगन मेहनत देख के हम वही गरीब उनकर अभाव जी से कहें कि तुहार बेटा जब भी डायरेक्शन में उतरी हैं बहुत अच्छा काम करी हैं और हमके बहुत खुशी बा कि अब जब बंटी जी फिल्म बनावत आने तो लगातार एक से एक फिल्म बना रहा माने अभी इनकर एगो फिल्म आयल रहे विद्या जो उन बहुत ज़्यादा पसंद कैल गई लेडीज ओरिएंटेड फीमेल ओरिएंटेड फिल्म रहे बहुत लोग के पसंद आई और अभी फिल्म भी जितना बढ़िया से वो शूट करत आने पूरा हमके उम्मीद बा कि लोग के पसंद आई और एक बहुत बेहतरीन बहुत मजल सुलझल और बहुत
टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर बने और उनके पता बाकी कैसे काम करे के बाद और जो समय मिलल बा वो समय में कैसे ज़्यादा काम निकाले के बाद वो सारा गुण उनके अंदर बा। तो हमके पूरा उम्मीद बाटे कि जैसे एक पहले बंटी जी के सारा फिल्म के लोग बहुत पसंद गए, ये फिल्म भी लोग के बहुत पसंद आई। तो भैया एक तरफ शूटिंग, एक तरफ जो है जनता के सुनवाई जो समस्या बा वही सुन रहा बन, कैसे मैनेज हो रहा बा शूटिंग और जन सुनवाई के? देखा नियत होके के चाहिए आदमी के, अगर आपके नियत बाटे कि लोग के समस्या के समाधान करे के बाद तो नियत बाटे तो कल बहुत मुश्किल काम ना बहुत आसान काम। अब हमनी के जहाँ शूटिंग करे नहीं जा, जब लाइटिंग वाइटिंग होता बाकी काम होता तो हमनी कैसे बैठ जाला और जौन भी काम आवेला जहाँ फ़ोन करे के बाद वहाँ फ़ोन करके बोल दिया जाला, जहाँ पत्र लिखे के बाद वहाँ पत्र लिख दिया जाला, जहाँ सड़क बनावे के बाद वहाँ सड़क बना दिया जाला, जहाँ पुल बनावे के बाद वहाँ पुल बना दिया जाला। तो चूँकि हमनी के यही नियत से आइले रही जा और हमनी के कहले भी रही जा कि जब हमनी के आजमगढ़ में आवे के तो सिनेमा भी बनावे के और सड़क भी बनावे के, तो संजोग के बाद देखा कि जौना दिन ये फिल्म शुरू भई मैं मायके चली जाऊँगी वही दिने वो सड़क भी बनल शुरू भइल रासेपुर तितरा, जौना सड़क के मतलब लंबे समय से लोग इंतजार करते रहे और हार गए रहे, लोग थक गए रहे कि अब ही ना बनी। वहाँ के जो हमनी के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रही मंजू सरोज जी, वो हमरा से कहली कि भैया ये ना बन पाई रोड, हम कहनी कि ये ना बनी तो हम यहाँ मुँहे ना दिखाई अबे ना करब, तो चिंता मत कर एक बनवा लेब तबे यहाँ आई। और खुशी के बात बा और हम बहुत धन्यवाद दे चाहता नहीं अपने पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के, पूजनीय प्रधानमंत्री जी के, कि कोनो भी काम कठिन से कठिन काम लेके अगर आजमगढ़ के हमनी के जाल जाला तो ऊपर तुरंत विचार होला और ओके पास कर दिया जाला और उस सड़क पास हो गई। अब वही दिने वो सड़क बनल चालू भइल रासेपुर तितरा और वही दिन ही सिनेमा बनल चालू भइल। तो हमके लगा था कि जैसे ही सिनेमा कम्प्लीट हुई वैसे ही वो सड़कियों कम्प्लीट हो जाए। इकरे अलावा एगो बिलरियागंज रौना पार वाला मार्ग रहे वो बहुत खराब हो गए रहे, लोग हार गए रहे कि अभी ना बनी, वो भी बनल शुरू हो गए, ओकरा के भी हमनी के पास करा ले लिया। तो कहे के मतलब ये बात है कि हमनी के जौन आदेश मिलल रहे प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, जौन आदेश मिलल रहे अमित शाह जी से, जौन आदेश मिलल रहे हमनी के योगी आदित्यनाथ जी से कि आपको आजमगढ़ में रह के आजमगढ़ के लिए काम करना है, आप अपनी शूटिंग करना है शूटिंग करिए पर आजमगढ़ में करिए ताकि लोग आके आपको बता पाएं कि कहाँ की सड़क खराब है, कहाँ का पुल खराब है, कहाँ स्कूल में काम करना है, कहाँ कौन सा काम है जो नहीं हो रहा है, वो काम करने के लिए आपको वहाँ रहना है। तो हम यहीं हम लोग रहते हैं, हमारी पूरी टीम है, ये जो जितने लोग बैठे आपको दिख रहे हैं, राजेश जी हैं, रामदरस जी हैं, प्रमोद जी हैं, ये सब लोग, ऋषु भैया हैं, ये सब पूरी टीम जो है यहाँ बैठी रहती है और किसी विभाग का कोई काम है तो यहाँ से हम लोग उसको करते हैं। और अभी जो नया अभियान हम लोग चला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है ताकि कोई छूटे ना, ये हमारी सरकार की योजना है और सरकार की योजना घर घर तक पहुँचे इसकी भी चिंता हम ही लोगों को करनी है, संगठन को करनी है, हमारे कार्यकर्ताओं को करनी है, हमारे नेताओं को करनी है। तो उसकी भी चिंता हम लोग कर रहे हैं कि कोई भी सरकार की योजना, चाहे वो पेंशन की योजना हो, चाहे वो सम्मान निधि की योजना हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की योजना हो, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, चाहे उनको कोई सब्सिडी मिलनी हो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, वो लाभार्थी तक पहुँचना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो है यहाँ रह के काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है, जनता भी बहुत खुश है। और अब जो है हम लोगों का लक्ष्य यही है कि जो काम शुरू हुआ है वो बंद ना हो, इसके लिए हम लोग और मजबूती से लगे हुए हैं कि 2024 में फिर से हम लोग प्रचंड बहुमत से पूजनीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाए और जो जो काम शुरू हुआ है उसको उसके अंजाम तक पहुँचाएं, उसको पूरा करें, ऐसा ना हो कि काम शुरू हुआ और बीच में ही रुक जाए, वो भी नहीं करना है, इसको पूरा करना है। और इसके लिए जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी ने कि भारत को तीसरे टर्म में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, उसके लिए और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए,
पूरा आजमगढ़ का बच्चा बच्चा कंधे से कंधा मिला के हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। तो भैया यहाँ पे जैसे शूटिंग भी होता है, शूटिंग का गढ़ बन चुका है, कितना स्थानीय लोगों को काम मिल रहा है? देखिए जब भी कहीं भी हम लोग शूटिंग करते हैं तो हम सब कुछ तो मुंबई से लेके नहीं आ सकते हैं, मुंबई से कुछ इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, बाकी तो यहीं वैनिटी वैन आजमगढ़ की है, जनरेटर आजमगढ़ का ही है, तेल आजमगढ़ का ही खर्चा हो रहा है, जो खाना बन रहा है वो सब्जी से लेके आटा दाल चावल सब आजमगढ़ का ही लग रहा है, जो कलाकार काम कर रहे हैं वो सब भी आजमगढ़ के हैं, गाजीपुर के हैं, बलिया के हैं, बनारस के हैं, लखनऊ के हैं, मतलब आसपास के ही हैं, जो जो यूपी के ही हैं कलाकार, वही सब लोग इसमें काम कर रहे हैं। और आजमगढ़ जो है वो तो फिल्म की शूटिंग का गढ़ बन गया है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे खेसारी लाल यादव जी शूटिंग करके गए, अभी हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद और भी कई फिल्में लाइन से यहाँ शूट होने वाली है। तो आजमगढ़ एक तो देखिए आप इसी गांव को देखिए, अगर आप थोड़ा सा आपके पास समय है तो आप पूरा घुमा के और अगल बगल जा के देखिएगा, आपको लगेगा कि ये फिल्म सिटी है, आपको लगेगा कि ये स्टूडियो है, ये गाँव नहीं, आपको स्टूडियो लगेगा। आप कैमरा इधर पैन करिए, यहाँ यहाँ घुमाइए, देखिए ये अलग लोकेशन है, आपको एक लोकेशन मिल गया, अब आप उधर घुमाइए, अब इधर ये दूसरा लोकेशन है, आप इधर पीछे घुमाइए, इधर पीछे जाएंगे तीसरा लोकेशन है। मतलब एक ही गांव में इतने लोकेशन है कि कोई आदमी चाहे तो इसी गांव में पूरी फिल्म बना के लेके चला जाएगा, इतना बढ़िया आजमगढ़ जो है, इसीलिए फिल्म की शूटिंग का गढ़ बन गया है आजमगढ़ जी। दर्शकों से क्या कहना चाहिए, भोजपुरी सिनेमा में एक बदलाव हुआ है, पारिवारिक सिनेमा बनना शुरू हुआ है? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आप ही लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, भोजपुरी के प्रति आपका प्यार है कि भोजपुरी सिनेमा तमाम परिस्थितियों से जूझता हुआ, तमाम विकट परिस्थितियों से निकल के भी और लगातार आगे बढ़ रहा है, और ये आगे ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा के प्रति जो भोजपुरी दर्शकों का प्रेम है वो कमाल है, और इसलिए भोजपुरी सिनेमा को सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया में जहाँ भी लोग भोजपुरी जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, वो देख पा रहे हैं। आजकल तो ऐप का भी ज़माना आ गया है, तो जो फिल्में आप थिएटर में नहीं देख पाते वो ऐप पे देख लेते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं। तो आप ऐसे ही आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए, हम लोग अच्छी अच्छी फिल्म बना रहे हैं और लगातार आपका ऐसे ही मनोरंजन करते रहेंगे, अच्छी फिल्म बनाते रहेंगे, आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी हम लोग एक अच्छा नींव खड़ा कर दें, ताकि आने वाले समय में भोजपुरी सिनेमा और भव्य दिव्य बन सके। भैया 20 तारीख दुर्गा पूजा पे दो फिल्म एक साथ रिलीज हो रही, खेसारी जी की संघर्ष 2, पवन जी की हर हर गंगे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी, दोनों ही फिल्में बहुत अच्छी है और दोनों कलाकार बहुत अच्छे हैं, और भोजपुरी दर्शक का जो दायरा है वो इतना बड़ा है कि दो नहीं अगर चार फिल्में भी रिलीज होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिल्म देखने के लिए हमारे पास दर्शकों की कमी नहीं है, हाँ अच्छी फिल्मों की कमी है। तो अच्छी फिल्म, दोनों ही अच्छी फिल्म है और दोनों ही चलेगी, दोनों ही लोगों को पसंद आएगी, ये मैं कह सकता हूँ। ये प्रेम दुबे जी साथ में बैठे हैं, आप साथ कई फिल्मों में नजर आते हैं। प्रेम दुबे भैया हमारे एक बहुत ही शानदार अभिनेता हैं और हम लोगों ने कई फिल्में साथ में की है, आप लोगों ने देखा होगा राजा बाबू में, ये हमारे जो डमरू के साथ में गोलू डोलू वाला जो रोल इन्होंने किया था, लोगों को यादगार है वो, और कई फिल्में हम लोगों ने साथ में किया है और ये भी फिल्म हम साथ में कर रहे हैं, और बहुत जितने अच्छे अभिनेता हैं उतने अच्छे इंसान हैं, और इनके साथ काम करके हमेशा ही मज़ा आता है, और हम लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि हमारा पूरा परिवार साथ में काम कर रहा है, तो हम लोग परिवार की तरह ही काम करते हैं और आनंद लेते हैं, आनंद करते करते फिल्म अच्छी बन जाती है। प्रेम भैया क्या कहना चाहिए, भैया जो है शूटिंग कर रहे हैं, जन सुनवाई भी कर रहे हैं। मैं आया था यहाँ एक फिल्म करने, तब देखा था भैया का मेहनत देख के मैं बहुत, मतलब ये हो गया कि एक तो हम लोग शूटिंग करके इरेटेड हुए रहते हैं, ये होता है कि भागो जल्दी होटल, लेकिन देखता हूँ भैया शूटिंग करके खाली होंगे, फटाफट बाहर आएंगे, बाहर 50 नहीं हजारों की भीड़ हर जगह रहती है, पूरा देखते हैं, एक एक आदमी को फ़ोन करते हैं, मेंटेन करते, फिर सेट पे जाते, डायलॉग बोलते, फिर आते, फिर बैठे रहते दिन भर,
मतलब 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक यही स्थिति में मैं देखता हूँ। इतनी एनर्जी भैया कहाँ से लाते हैं, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। मैं तो धन्य हूँ देख के, मतलब कमाल के मेहनत करते भैया। ये एनर्जी जनता की ही है। देखिए, जब जनता आपको प्रेम करती है और आपसे उम्मीद रखती है और आपको कोई स्थान देती है, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है। और मैं एक बात जानता हूँ, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, बोलते तनी हमों के कुछ जिम्मेदारी दे दा, तनी हमों के, तो खाली जिम्मेदारी लेबा की जिम्मेदारी निभाइबा। मेन बात ये है कि जिम्मेदारी लेना बड़ी बात नहीं है, सुपरस्टार बन जाना बड़ी बात नहीं है। सुपरस्टार बन के फिर करोगे क्या, वो बड़ी बात है। सांसद बन जाना बड़ी बात नहीं है, सांसद बनने के बाद करोगे क्या, वो बड़ी बात है। तो एक तो या तो आप जिम्मेदारी लो मत, और अगर जिम्मेदारी ले रहे हो तो उसको निभाओ, और अगर उसको निभाने की क्षमता नहीं है तो छोड़ दो। तो हम लोग अपनी मर्जी से ये जिम्मेदारी लिए हैं कि हमको सिनेमा भी करना है, हम कर रहे हैं। जनता की सेवा करना है तो वो हम कर रहे हैं। और हमको तो इतनी खुशी होती है कि आजमगढ़ के लोगों ने जो सम्मान दिया, मतलब राजनीति में हम लोग नए नए आए और इतना बड़ा नाम बना दिया, ये आजमगढ़ की जनता का एहसान है। और वो 12 घंटा क्या 24 घंटा हम उनके लिए यहाँ बैठे रहे, उनका काम करते रहे, तो भी हम उनका कर्ज नहीं उतार पाएंगे। तो आजमगढ़ की जनता के लिए लगे हैं, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि भारत को नंबर वन बनाएंगे, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संकल्प लिया है कि यूपी को नंबर वन बनाएंगे, वैसे हमारा भी ये संकल्प है कि हम आजमगढ़ को नंबर वन बनाएंगे और इसको नंबर वन बना के ही दम लेंगे। जौले नंबर वन पोजीशन आजमगढ़ के मिली ना तौले निरहुआ यहाँ से मिली ना।